गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ये वाला एक्टिविटी का है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे आप पहले देख लीजिए इसको कैसे लिखना है। आपको अपनी बुक में लिखना है, ओके। पेज नंबर 17 है आपका एक्टिविटी बुक में। ये है आपका, ये पेज नंबर है, इसको आपको लिखना है। दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है? यस मैम। हाँ, इसमें आपको लिखना है सी और डी। ए और बी हमने करा दिया था, सी और डी बस करना है अभी। तो आप देख लीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। यदि आप लोग कुछ बातें कर रहे हो तो प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक को। मम्मा म्यूट करना है माइक को। तो यहाँ आपको सिर्फ पेंसिल चलाना है इसके ऊपर, जो आपकी बुक में भी दिया है। हाँ, उसको आपको पेंसिल चलाना है। आपके पास बुक है ना, तो आप बुक लेके रखिए। हाँ, और थोड़ा सा, हाँ बुक निकाल लीजिए ना, थोड़ा सा आपको लिखना है। हाँ, उसमें लिखिए आप सी कैसे बनाओ, उसको देख देख के लिखिए आप। मतलब उसको आपको
बोर्ड में नहीं, आपकी जो स्क्रीन शेयर किया उसमें हम भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपको भी बनाना है, यदि ट्रेस हो जाएगी तो आपको नीचे वाली लाइन में सेम वैसे ही लिखना है, थ्री लाइन को लेकर ऐसे, ठीक है। थ्री लाइन लेकर आपको नीचे भी लिखना है, लाइन के बाहर नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। ये कर्सिव कैपिटल सी है। यू विल राइट लाइक दिस। जल्दी लिखिए, फिर नेक्स्ट हम बताएं। आप सी लिखिए, फिर डी बताते हैं। दूर दूर लिखना है, बहुत पास पास किसी को नहीं लिखना है, दूर दूर लिखना है। वन लाइन में केवल साइज होने चाहिए, ओनली साइज इन वन लाइन, ओके। साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली साइज लिखोगे आपके पेज में, ओनली फाइव आएगा। दूर दूर लिखोगे, नीट एंड क्लीन लिखना है। डोंट राइट क्लोज, कोई क्लोज पास पास नहीं लिखेगा, आपको दूर दूर लिखना है। आपको सुंदर लिखना है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि हम माउस से लिख रहे हैं, आपको पेंसिल से लिखना है। राइट नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर बनाना। आरिषि लिख रहे हो बेटा, लिखो जल्दी से लिखो। अर्णव लिख रहे हो? जल्दी से सी लिख लो, फिर डी बताते हैं। हो गया, चलो वेरी गुड। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और दूसरा लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये डी लिखते हैं हम। मैम, हाँ बोलो। मैम मेरा डी अभी कंप्लीट हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो बचा है उसको बाद में कर लीजिएगा। आप डी भी देख लीजिए, तभी आपको बन पाएगा ना। मैं फी तो लिख ही दिया हूँ। हाँ मैं फी लिख दिया हूँ। मैम लिख लिया हूँ, वेरी गुड। डी भी लिख लीजिए, डी लिखना है। हाँ डी लिख लीजिए। अब यहाँ आपको डी बनाना है कैसे, पहले आपको ऐसे लाइन खींचना है, फिर इसी के ऊपर चलाना है ऐसे, मैम कर बोलो कर सर।
मैम मेरा डी कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया है। मैम कर्सिव राइटिंग मुझे लिखना है। मैम कंप्लीट कर। कर्सिव राइटिंग में। कर्सिव राइटिंग में। मैम कर्सिव राइटिंग में लिखना है जी। हाँ बेटा कर्सिव राइटिंग में बनाना। कर्सिव राइटिंग में ही आपको कैपिटल डी लिखना है। हाँ लिखिए, हम लिख के बता रहे हैं ना नीचे, ऐसे ही आपको बनाना है। आपको अपनी पेंसिल, आपको अपनी पेंसिल नहीं उठाना है, बिना पेंसिल उठाए एक बार में आपको डी बनाना है, ठीक है। आप पहले ऊपर से लाइन लाइन खींचे, ऊपर से आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, दिख रहा है ना स्क्रीन में। तो आप उसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करिए। पहले पेंसिल ऊपर वाली लाइन में रखोगे, फिर उसको नीचे ले जाके, फिर उसको फोल्ड करके फिर लाना ऊपर वापस। मैम मुझे नहीं दिख रहा। क्यों, वीडियो ऑफ कर रहे हो क्या? आप ऑन कर लीजिए वीडियो। ये आपको सिस्टम की स्क्रीन में दिखा रहे हैं हम, इसीलिए हमने शेयर किया कि आपको फोर लाइन दिखाइए। थोड़ी सा पास भी दिखाइए। थोड़ी सा पास में कैसे दिखाएं, हम पास में ही तो रखे उसको। व्यू मैम। हाँ मेरा हो गया। डी बन गया। हाँ यस मैम मेरा डी हो गया। डी कंप्लीट हो गया। वेरी गुड मैम। हाँ मेरा भी कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, डी बन गया है, वेरी गुड। अब हम दूसरा बताते हैं, ठीक है। डी के बाद बच्चा है ई। ये देखिए ई, देख लीजिए ई, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, दिख रहा है ई, दिख रहा है ई, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ई, ई फॉर एलिफेंट, दिख रहा है सबको? E for elephant, किस किस बच्चे को दिख रहा है बताइए? E for elephant किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका घर में आपको करना है। अभी आपने C और D कर लिया है, अब आपको E और F घर में करना है, ठीक है। एक बार देख लो कैसे करना है बस। मैं पहले से ही शुरू कर दिया हूँ। अपना म्यूट करिए माइक को, शोर कर रहा है जो बच्चा। हम उसको एग्जिट कर देंगे फिर, शैतानी किया तो। और इस तरफ आओ, अरुषि और इस तरफ आओ। मैम आपकी, यहाँ से ऐसे मैम आपकी पिक नहीं आ रही। आ गई? नहीं आई। मैम ओनली गो टू विजिबल, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। एक साथ मत बोलिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वन बाई वन बोलना है।
चलिए ई और एफ आपको करना है, ठीक है सारे बच्चों को? यस मैम। हाँ बन जाएगा ना ई आपको। इससे बन जाता है ई करते। आपको मैंने
बॉबर रुक जाओ चार चलिए इस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं ये आपको बताना है कितने वॉवल्स हैं ठीक है इस वर्ड में पहचानी है ध्यान से रिकॉर्डिंग इधर देखिए इस वर्ड में कितने वॉवल्स है एच ई ए टी टी गीत में कितने वॉवल्स है ये काउंट करिए टू वेरी गुड कितने